हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आज आप देखेंगे कि बरसात के मौसम का जो सबसे कॉमन बीमारी टीवी में जो आता है स्पार्किंग का। ठीक है, जब भी आप टीवी ऑन करेंगे या फिर टीवी चलने के दौरान क्या होगा, आपको चट चट की आवाज़ आएगी और अच्छी खासी स्पार्किंग दिखेगी। जैसे मैं टीवी ऑन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जब भी इस तरह हो तो आप टीवी को बहुत ज़्यादा देर ना जलाएं, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये हाई वोल्टेज स्पार्किंग होता है, ठीक है ना। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं एक आसान से आसान तरीका बता रहा हूँ, इतने आसान तरीके कोई भी कर सकता है। बस मैं जो जो बताऊंगा उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है, तब जाके आप सुरक्षा के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टीवी का कभी भी काम करें तो सुरक्षा के साथ काम करें। अगर वीडियो आप देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या दिक्कत आती है और क्या क्या सुरक्षा आपको बरतना है। तो पूरे वीडियो देखिए, आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, टीवी जब खोल लें आप, उसके बाद क्या करना है, आप टीवी खोलने के बाद आपको सप्लाई देके चेक नहीं करना है। ठीक है, अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पार्किंग इधर दिखेगा जो कि सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इस कैप को हटाना है आपको, लेकिन कैप हटाने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी काम क्या करना है, एक वायर लेना है। मैं मीटर का लीड ले रहा हूँ, ठीक है। मीटर का लीड से आप क्या करें, कहीं भी ग्राउंड में कर, जैसे मैं इसको यहाँ ग्राउंड में कर दिया, ठीक है। इसको अब इसको देखिए, पहले इसको अंदर डालना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी आपका जो करंट यहाँ जमा होगा सब शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सड़ चुका है इसलिए यहाँ फट रहा है, अगर आप कैप सही होगा तो ये नहीं फटेगा, ठीक है। तो देखिए, शॉर्ट हो जाने के बाद अब आप निफिक्र होके इसको खोल सकते हैं। ध्यान देना है, काम करने के दौरान कभी भी पावर दे के यहाँ पर कुछ काम नहीं करना, क्योंकि ये हाई वोल्टेज एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे चिपकाया गया है इसको, आपको जैसे भी, अब तो फट चुका है, अब आप उसको जैसे भी निकाल लें, ठीक है। उसके बाद मैं नया कैसे लगाना है उसको आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये हो गया। अब यहाँ आप देखिए अंदर कितना ज़्यादा जंग टाइप में कुछ कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसी के वजह से इतने ज़्यादा स्पार्किंग हो रहा था, ठीक है। तो देखिए, अब इसको क्या करना है, अच्छे से आपको हटा लेना है पूरा। हटा लेने के बाद किसी भी CTC लिक्विड, जैसे पेट्रोल हुआ या फिर CTC हुआ, मार्केट में क्लीनिंग सॉल्यूशन उपलब्ध है, उसके हेल्प से आप इसको अच्छे से वाश करें, ठीक है। वाश करने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो मैं ऐसे ही ब्रश से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और पूरा इतना दूर आपको वाश करना है अच्छे से, ठीक है। ठीक है, आप चाहे तो ब्रश में लगा के तब आप ऐसे कर सकते हैं। आपको अंदर तरफ भी अच्छे से सफाई करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें अंदर ही ज़्यादा दिक्कत है। अंदर आपको क्लीन करने के लिए कॉटन का हेल्प आप ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी ट्वीजर में कॉटन लगा के आप कर सकते हैं, या फिर आप कपड़ा का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ख़राब कपड़ा जो होता है जिसका आप देखिए, यहाँ अंदर कपड़ा डालना है इसको, और ऐसे ऐसे आपको क्लीन करना है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है पहले की अपेक्षा, ठीक है। अब आप चाहें तो इस पूरे को भी हटा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको पूरा नहीं हटाना है, जहाँ जहाँ हट रहा है पेस्ट वहाँ वहाँ दूसरा पेस्ट लगाना है। क्या पेस्ट लगाना है सबका मैं नाम अच्छे से बता दूंगा, और अगर संभव हुआ तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लिंक से ना खरीद के पहले आप अपने नज़दीकी मार्केट में जाके पता करें, ठीक है। अगर मार्केट में नहीं मिलता है तब आप लिंक का हेल्प लें, क्योंकि ऑनलाइन ये सब चीज़ें थोड़ी महंगी पड़ रही है मैंने देखा। हल्का फुल्का इसको आप क्लीन करिए, और ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से आपको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अब सूखने के लिए क्या करना है और कैसे सुखाना है आपको, उसके लिए दो तीन उपाय हैं। एक तो आप ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर धूप, सबसे अच्छा है धूप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर एडिशन बॉल जो आता था पुराने टाइप का बॉल, पीला वाला जो बॉल जिसको आप बोलते हैं, वो बॉल के हेल्प से आप इसको सुखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर भी सुखाने की जरूरत, अगर इस तरह आप इतना अच्छे से आप क्लीन कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा देर सुखाने की ज़रूरत नहीं है, धूप में भी या लाइट से भी। 10 से 30 मिनट काफ़ी है, ठीक है। मैं तो 10-15 मिनट में इसको सुखा के फिर से इसको असेंबल करके दे देता हूँ, जब इतना क्लीन हो जाए, ठीक है। देखें, अगर जितना क्लीन हो सके, अगर इसको स्क्रेच करने से हल्का फुल्का और क्लीन होता है तो करें, अदरवाइज इतना ही भी आप छोड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एडिशन बॉल, ठीक है। ये बॉल एकदम इसमें सटा के नहीं रखना है कभी भी, अगर सटा के आप रखेंगे तो आपका पिक्चर टिप क्रैक कर सकता है, ठीक है, तकरीबन कुछ दूरी पर, ठीक
ठीक है, 2-3 इंच की दूरी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, और इतना पे लगा के जला के छोड़ दीजिए, जिस भी माध्यम से इतना पे इसको लटका के, ठीक है, जला के छोड़ दीजिए, 20 मिनट काफ़ी है, 10 से 20 मिनट उतना देर में हो जाएगा। अगर धूप सही निकल रहा है, ठीक है, तो आप इसको धूप में रख दीजिए। अगर धूप में आप रख रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बारिश के पानी से ये भींगे नहीं, अगर भींगता है तो फिर आपका जो सर्किट में भी कुछ और प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो मैं इतना देर सूखने के लिए छोड़ देता हूँ, धूप में ही मैं रख देता हूँ। आप धूप, हेयर ड्रायर, ब्लोअर या फिर एडिशनल बल्ब किसी का भी इस्तेमाल करें, उससे कोई दिक्कत। जब ये सूख जाए, ठीक है, सूख जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, रेजी बॉन्ड, ठीक है, देखिए रेजी बॉन्ड आपको लेना है, और जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि पेस्ट हट चुका है वहाँ वहाँ इसको फिर से अप्लाई करना है। ठीक है, जब ये लग जाए उसके बाद आपको क्या करना है, कैप लगाना है, ये स्टिक कैप जो है, जैसे ये कैप आपका ख़राब हो चुका है, ठीक है, इसका रबर जो ख़राब हो जाने के कारण, ठीक है, ये फट जाता है आसानी से, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसको निकाल के हटा सकते हैं अलग से, या फिर डायरेक्ट या फिर यहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक है, नया कैप लेना है आपको। ध्यान रहे कि मैंने जो इतना कट किया है, तार काफ़ी बड़ा था, इसलिए अगर आपको लगे कि तार आपका छोटा है तो आप कट ना करें, ठीक है, आप यहीं से इसको निकाल के फिर आप उसी तार को लगा सकते हैं। अब उसके बाद आपको फिर से वापस ऐसे इसको लगाना है, आराम आराम से, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं इसमें, ठीक है, देखिए। उसके बाद जब इतना आपको तार दिखने लगे इसमें, ठीक है, ये सब तो आप अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, और उसके बाद जब लगेगा आपको प्लायर से, यानी प्लायर से पकड़ा जा सकता है, इसको पकड़ के बाहर खींच लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसका पीवीसी हटा लेना है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह के बैठेगा, ठीक है, इस तरह के बैठेगा, इसका मतलब आपको किसी तरह आप इधर से इधर से लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा ये जो दिया हुआ है ना आपको, इसको ऐसे ही बैठाइए ऐसे, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो उतना करने के लिए आप इस तार को यहाँ सोल्डिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तार को ऐसे यहाँ सोल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पर सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। जब ये सोल्डिंग हो जाए अच्छे से, फिर उसके बाद आपको ऐसे ट्विस्ट करके होल्ड कर देना है, ठीक है। तो ये किधर से भी लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जब इसको ऐसे आप जब करेंगे आगे तरफ, बस आपको ऐसे खींचना है। अब यहाँ पे जब आपको आना है, ठीक है, तो इसको ऐसे ट्विस्ट कर देना है ताकि ये हमेशा ऊपर ही जाए। ठीक है, काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब सही है, सोल्डिंग तार अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको दबा भी सकते हैं हल्का सा, या फिर ऐसे रन दे सकते हैं। अब देखिए, इसको आपने अभी अभी पेस्ट लगाया है, ठीक है, तो पेस्ट लगने के बाद कुछ देर आपको छोड़ देना है इसको, ठीक है, जब ये हल्का हल्का सूख जाए, ठीक है, जब सूख जाए, हाथ में ना लगे, ठीक है, तब जाके आपको ESD का कैप लगाना है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, पिछली बार की तरह ऐसे ही चिपक जाएगा इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिपक जाएगा। हल्का सा टाइट है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जब बहुत गीला रहे तो ना लगाएं, इसलिए आधा घंटा छोड़ने के बाद ही आप इसको लगाएं, ठीक है। तो लगभग सूख चुका है, मैं अब इसको हल्का फुल्का है उतना चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लगाते ही तुरंत ना लगाएं आप, ठीक है। अब उसके बाद इसको लगा देना है, देखिए कैसे फंसाना है, पहले एक इंच कोई, ठीक है, उसके बाद हल्का सा दबाते हुए दूसरा इंच फंसा दीजिए, हो गया। अब बस कैप को ऐसे अच्छे से, ठीक है, लग गया। अब इसको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं टीवी अच्छे तरीके से ऑन हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको मेनू प्रेस करके दिखा देता हूँ, ठीक है,
कोई स्पार्किंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्पार्किंग नहीं है, जीरो स्पार्किंग हो चुका है, ठीक है। तो इतना छोटा सा काम है, बस केयर से आपको करना है, आप खुद आसानी से घर पे कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो जाए लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के जरूरी वीडियोज पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।